सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आप सबको स्वागत है। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है बच्चों। पानीपत के तीसरे युद्ध के कारण क्या थे, पानीपत के तीसरे युद्ध की घटनाएं कौन सी थी, पानीपत के तीसरे युद्ध के परिणाम क्या निकले थे, सभी बच्चों के लिए जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जो आगे आने वाली परीक्षाओं की तैयारी करने जा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। यहाँ देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध, यहाँ सबसे पहले नाम आता है बच्चों पानीपत। पानीपत यह भारत के हरियाणा नामक स्थान पर पानीपत का मैदान है और ये दिल्ली का प्रवेश द्वार कहलाता है। दिल्ली का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। विदेशी आक्रमण, भारत के उत्तर पश्चिम से जितने भी आक्रमण हुए थे वो सभी आक्रमण वो दिल्ली के प्रवेश द्वार पानीपत से होकर दिल्ली में प्रस्थान किया जाता है। यहाँ हम पानीपत के युद्धों की बात की जा रही है बच्चों। भारत के इतिहास में पानीपत के तीन युद्ध होते हैं। पहला युद्ध कौन सा होता है, दूसरा युद्ध कौन सा होता है और तीसरा युद्ध कौन सा होता है। यहाँ देखिए, पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में होता है? पानीपत का पहला युद्ध होता है मुगल सम्राट बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का पहला युद्ध, बाबर कहाँ से आया था बच्चों? ये काबुल से आया था। और भारत में मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? बाबर ने रखी थी। यहाँ बाबर और इस बाबर के समय मुगल सम्राट कौन था? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का पहला युद्ध होता है। बाबर काबुल से तोपखाना लेकर आया था। बड़ी बड़ी खाइयों को खुदवाया गया था, तोपों को जंजीरों से बंधाया गया था। मैदान में बंदूकचियों को और तीर अंदाजों को इस तरह जमाया गया था, गोल अंदाजों को इस तरह जमाया गया था। इसी व्यवस्था को तुलू गमा पद्धति कहा जाता है। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा बच्चों। तुलू गमा पद्धति का प्रयोग करने वाला कौन था? मुगल सम्राट बाबर थे जिन्होंने तुलू गमा पद्धति का प्रयोग किया था। भारत में सबसे पहले बारूद लाने वाला कौन था? ये नाम सुने होंगे, मुगल सम्राट बाबर था जिसने भारत में सबसे पहले बारूद लेकर आया था। बाबर ने भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग कौन सी जगह पे किया था? भेरा नामक स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करें तो मुगल सम्राट का, मुगल वंश का तीसरा सम्राट अकबर महान का नाम सुने हैं बच्चों? अकबर और हेमू के बीच में होता है। ये आदिल शाह का सेनापति हेमू होता है जो विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करता है। ये अंतिम हिंदू हिंदू सम्राट होता है। यहाँ अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। बैराम खान के सहयोग से अकबर पानीपत के दूसरे युद्ध को जीत लेते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों तो पानीपत का तीसरा युद्ध जिसकी बात आज हम कर रहे हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध कौन कौन के बीच में होगा, इसको हम विस्तार से हम पढ़ेंगे। यहाँ पानीपत के तीसरे युद्ध के कारण क्या रहेंगे? तो ये घटना शुरू होती है कहाँ से? ये घटना शुरू होती है
मुगल वंश के अंतिम शासक औरंगजेब से शुरू होती है। औरंगजेब पानीपत के तीसरे युद्ध की भूमिका के रूप में इसको उत्तरदायी ठहराया जाता है। पानीपत के तीसरे युद्ध का जो कारण रहेगा वो ये कहा जाता है, अनेक कारणों में जो पहला कारण बनता है औरंगजेब बनता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 707 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद कौन सी घटना होती है? मुगल वंश में जितने भी सुल्तान आते हैं वो सभी सुल्तान क्या होते हैं बच्चों? वो अयोग्य होते हैं, कमज़ोर होते हैं, और इनके समय में केंद्रीय शासन व्यवस्था बिगड़ जाती है। यहाँ क्या शुरू हो जाता है? यहाँ राजनीति शुरू हो जाती है। यहाँ मुग़ल दरबार में गुटबाजी शुरू हो जाती है। यहाँ राज दरबार में किसका? वजीरों का वर्चस्व बढ़ जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं औरंगजेब के बाद मुग़ल साम्राज्य एक जर्जर अवस्था में पहुँच जाता है, और पानीपत के तीसरे युद्ध के कारणों में अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत के अंदर भी राजनीति में परिवर्तन होता है। दक्षिण भारत का एक राज्य है, वो कौन सा राज्य है बच्चों? वो हैदराबाद है। हैदराबाद स्वतंत्र हो जाता है, और एक स्वतंत्र इस साम्राज्य की स्थापना कौन करते हैं? ये निजाम नाम होता है इनका। इनका एक नाम और होता है बच्चों, वो क्या नाम होता है? चिनक्लच खान भी इनको कहा जाता है, जिन्होंने इस राज्य की स्थापना की थी। अगर हम बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजपूताना के कई राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं, और यहाँ मराठों का दक्षिण भारत में मराठों का वर्चस्व रहता है। मराठों का क्या रहेगा? वर्चस्व रहेगा। मराठों में कौन कौन होते हैं? जो मराठा साम्राज्य और पानीपत का तीसरा युद्ध का गहरा संबंध होता है, यहाँ पे हम यहाँ बात कर रहे हैं पानीपत के तीसरे युद्ध की। और पानीपत का तीसरे युद्ध के समय जो स्थिति रहती है बंगाल बिहार उड़ीसा में, कौन सी स्थिति रहती है? बंगाल बिहार उड़ीसा, यहाँ ये बंगाल है बच्चों, बंगाल इधर बिहार है और इधर उड़ीसा है, यहाँ अंग्रेज़ों का वर्चस्व रहता है। 1757 में यहाँ प्लासी का युद्ध होता है, और प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब कौन होते हैं? सिराज उदौला को इस नवाब को पराजित कर दिया जाता है। गवर्नर कौन रहेगा? रॉबर्ट क्लाइव रहते हैं। रॉबर्ट क्लाइव इनको पराजित कर देते हैं। यहीं से अंग्रेज़ों की नींव भारत में पक्की हो जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहाँ राजपूताना के कई राज्य स्वतंत्र हो गए। यहाँ देखा जाएगा यहाँ महाराष्ट्र में मराठों का की राजनीति चल रही है। यहाँ देखा जाए तो फ्रांस में फ्रांसीसियों का पावर होता है। यहाँ देखा जाए तो मुग़ल सम्राटों की स्थिति क्या हो गई? जर्जर हो गई। भारत की जो राजनीति है उसमें किस तरह यहाँ परिवर्तन आया? इस परिवर्तन को देखने के बाद अब हम मराठों की राजनीति क्या रहती है, क्योंकि पानीपत का तीसरा युद्ध कौन से जुड़ा है? वो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ हम मराठों की बात करें तो बच्चों, यहाँ मराठों में पेशवा की भूमिका मुख्य रूप से रहती है। यहाँ मराठों के छोटे छोटे राज्यों की स्थापना कौन किए थे? छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक विशाल
मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाले शिवाजी महान थे, शिवाजी महान थे। और ये मराठा क्या कहलाते हैं, ये मराठा सुल्तान कहलाते हैं बच्चों। यहाँ हम देख रहे हैं सबसे पहले मराठाओं में कौन आएगा, बालाजी, बालाजी विश्वनाथ का नाम आता है पहले नंबर पे, बालाजी विश्वनाथ हैं। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे कौन आया बच्चों, बालाजी विश्वनाथ हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं बाजी राव आते हैं यहाँ। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो बालाजी बाजी राव आते हैं। बालाजी विश्वनाथ पेशवा कब से कब तक रहे थे, 1713 से 1720 तक ये मराठा महाराष्ट्र में सतारा में ये पेशवा के पद पर रहे थे। यहाँ बाजीराव की अगर हम बात करें तो बाजीराव 1720 से 1740 तक इनका शासन काल रहता है। अगर हम बालाजी बाजीराव की बात करें तो 1740 से 1761 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। यहाँ हम बालाजी विश्वनाथ के समय कौन कौन सी घटनाएं होती है, बाजीराव के समय कौन कौन सी घटनाएं होती है, बालाजी बाजीराव का क्या सहयोग रहता है। यहाँ बालाजी विश्वनाथ ने मराठा साम्राज्य में मराठा साम्राज्य को, इन्होंने यहाँ पर एक मराठा साम्राज्य रूपी बीज को बोया था। और इसी बीज से क्या एक पौधे का विकास हुआ, उसी प्रकार जैसे ये पौधे का विकास हुआ, एक मराठा साम्राज्य का विकास करने वाले बालाजी विश्वनाथ होते हैं। अब यहाँ ये जो पौधा बना था, मराठा साम्राज्य रूपी पौधा बना है, इसी पौधे को बच्चों हरा भरा करने वाले कौन होते हैं, वो बाजीराव होते हैं। इस पौधे को हरा भरा किसने किया, बाजीराव ने किया था। हरा भरा जो पौधा जो था, इस हरे भरे पौधे को एक विशाल वट वृक्ष के रूप में कौन किसने बदला था, वो बालाजी बाजीराव ने बदला था। यहाँ पेशवाओं को देखा जा रहा है, बालाजी विश्वनाथ का क्या योगदान रहा था, बाजीराव का क्या योगदान रहा था, बालाजी विश्वनाथ का क्या योगदान रहा था, सभी के योगदान को हम बड़े तल्लीनता के साथ यहाँ अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। और ये पानीपत का तीसरा युद्ध ये सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ हम जो मुख्य रूप से भूमिका होती है वो बालाजी बाजीराव की होती है। बालाजी बाजीराव के समय यहाँ बालाजी बाजीराव के समय यहाँ शाहू का नाम सुने हो बच्चों, 1749 में शाहू की मृत्यु हो जाती है। और जब शाहू की मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु के बाद यहाँ विधवा ताराबाई का पुत्र कौन है, राजा राम होते हैं। ये राजा राम ये यहाँ के मराठा साम्राज्य के छत्रपति बनते हैं, ऐसा कहा जाता है। और बच्चों ऐसा कहा ही नहीं जाता है, वास्तव में ऐसा है कि राजा राम एक अयोग्य शासक होते हैं और एक कमज़ोर शासक होते हैं। प्रशासन की नींव इनके हाथों से निकल जाती है। राजा राम के अयोग्य होने की वजह से क्या होगा, सत्ता किनके हाथों में आ जाती है, पेशवाओं के हाथों में आ जाती है। और राजा राम के बाद बालाजी बाजीराव ने यहाँ भारत के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर हिंदू पद पादशाही की स्थापना की थी। मराठा साम्राज्य के लिए कौन से शब्द का यूज किया था बच्चों, हिंदू
पादशाही का यूज करते हैं। यहाँ देखिए शाहू और ताराबाई की घटना के बाद अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ बालाजी बाजीराव अब अपनी राजनीति का केंद्र किसको बनाते हैं। ये राजनीति को का केंद्र महाराष्ट्र में पुणे को राजनीति का केंद्र बनाया जाता है। यहाँ घटनाएं होती है, कौन कौन सी घटनाएं होती है, पहली घटना कौन सी है, दूसरी घटना कौन सी है और तीसरी घटना कौन सी है, चौथी घटना कौन सी है। यहाँ हम पहली घटना को अगर देखा जाए तो 1739 में भारत में नादिर शाह का आक्रमण होता है और इस समय मुग़ल सम्राट कौन होते हैं, मुग़ल सम्राट कौन है, मोहम्मद शाह मुग़ल सम्राट है। 1739 में मराठों का पेशवा कौन होता है बच्चों, 1739 में मराठों का पेशवा बाजी राव होते हैं। और जब नादिर शाह ने उत्तर पश्चिम भारत से लाहौर से होते हुए सियालकोट पहुंचता है नादिर शाह, सियालकोट से ये पंजाब पहुंचते हैं और पंजाब से दिल्ली का प्रवेश द्वार पानीपत पहुंचते हैं और यहाँ दिल्ली में हमला करते हैं। और मोहम्मद शाह उस समय मुग़ल सम्राट होते हैं, मोहम्मद शाह एक अयोग्य सम्राट होते हैं, एक कमज़ोर शासक होते हैं, सेना का मोहम्मद शाह की सेना पर इनका नियंत्रण नहीं होता है। नादिर शाह बड़ी आसानी से यहाँ भारत में पहुँच जाते हैं और दिल्ली की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देते हैं। नादिर शाह के हमले से मुग़ल साम्राज्य की केंद्रीय व्यवस्था और ज़्यादा जर्जर हो जाती है। यहाँ हम 1739 की घटना को देख रहे हैं, ये उत्तर पश्चिम भारत से ये पहला आक्रमण होता है नादिर शाह का 1739 के बाद। यहाँ दूसरे आक्रमण दूसरी घटना को देखा जाएगा 1747 में अहमद शाह अब्दाली का, कौन का हमला भारत पर होता है बच्चों, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली पंजाब पर हमला करेंगे, ये कहाँ से उत्तर पश्चिम भारत के सियालकोट से कहाँ पहुँचते हैं, ये लाहौर पहुँचते हैं, लाहौर से ये पंजाब पर हमला करते हैं और पंजाब पर हमला होता है। यहाँ पंजाब पर हमला करने के समय यहाँ का गवर्नर कौन होता है पंजाब में, अहमद शाह अब्दाली का गवर्नर तिमूर खान होते हैं। यहाँ पंजाब में राजनीति किसकी होती है, मराठों की राजनीति होती है। मराठों ने अब दिल्ली तक अपना आधिपत्य जमा लिया था। यहाँ मराठों ने अटक नामक स्थान पंजाब में अपना मराठा झंडा लहराया था और इसी राजनीति की वजह से अहमद शाह अब्दाली पंजाब पर हमला करते हैं, तिमूर खान उनका साथ देते हैं। मराठों की राजनीति की वजह से ये हमला होता है, अटक पंजाब में है बच्चों और मराठा अटक मराठा जो थे वो अटक तक पहुंच गए हैं। यहाँ इस समय अहमद शाह अब्दाली जब भारत पर अटैक करते हैं इसी समय मुग़ल सम्राट कौन होता है, अहमद शाह होते हैं। इनका समय काल क्या रहता है, इनका समय काल 1748 से 1754 होता है। ये पहली घटना हमने देखी थी, यहाँ नादिर शाह का हमला हुआ था भारत पर। यहाँ हम दूसरी घटना देख रहे हैं, अहमद शाह अब्दाली का हमला होता है पंजाब पर
और इस समय मुगल सम्राट कौन होते हैं? अहमद शाह होते हैं। जब पहला हमला हुआ था नादिर शाह का भारत पर, उस समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने बाजीराव को हेल्प करने के लिए बुलाया था, लेकिन बाजीराव कहीं राजपूताना की राजनीति में, जयपुर राजघराने में व्यस्त व्यस्त थे, इसलिए नहीं आ पाए थे। सेकंड टाइम जब अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर हमला करते हैं, तब मुगल सम्राट अहमद शाह ने मराठों में बालाजी बाजीराव को हेल्प के लिए बुलाया था, लेकिन बालाजी बाजीराव भी राजपूताना राजनीति में व्यस्त रहते हैं, और इसी राजनीतिक परिवर्तन की वजह से अहमद शाह अब्दाली के भारत पर बार बार हमले हो रहे हैं। यहाँ हम ये देख रहे हैं बच्चों, ये पहला नंबर हमने देखा, ये दूसरा नंबर हमने देखा, अब हम यहाँ तीसरे नंबर की बात करें। तीसरे नंबर पर हम तीसरी घटना क्या होती है, राजनीति में क्या परिवर्तन होता है? अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ सेकंड टाइम हमला किया, पंजाब पर हमला किया था, और सेकंड टाइम या मुइन उल मुल्क जो दिल्ली के वजीर होते हैं, मुइन उल मुल्क कौन है बच्चों? ये दिल्ली के वजीर हैं। मुइन उल मुल्क को अहमद शाह अब्दाली पराजित करते हैं, और पराजित करने के बाद यहाँ पंजाब में किसको गवर्नर बनाकर वापस चले जाते हैं? तीमूर खान को गवर्नर बनाकर चले जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली का पहला हमला कब होता है बच्चों? 1747 में होता है पहला हमला। अहमद शाह अब्दाली का दूसरा हमला कब होता है बच्चों? दूसरा हमला होता है 47 के कुछ साल बाद, यहाँ पंजाब पर होता है, दिल्ली तक पहुँचते हैं। तीसरा हमला कब होगा? 1752 में अहमद शाह अब्दाली का थर्ड अटैक होता है भारत पर। यहाँ 1752 के बाद जब अहमद शाह अब्दाली का चौथा हमला भारत पर होगा, उसका क्या कारण है? घटनाओं के इतिहास क्रम में हम देख रहे हैं पानीपत के तीसरे युद्ध के कारणों की चर्चा को देखा जा रहा है। अब यहाँ स्थिति बदल गई है बच्चों, यहाँ दिल्ली में राजनीति शुरू हो जाती है, और दिल्ली में वजीर कौन होता है? दिल्ली में वजीर है यहाँ पे सफदरजंग है, अहमद शाह मुगल सम्राट होते हैं। अहमद शाह का शासनकाल अभी अभी मैंने बताया था, 1748 से 1754 होता है। यहाँ अहमद शाह का वजीर सफदरजंग होते हैं। यहाँ इनके मित्र होते हैं जावेद खान होते हैं। यहाँ दिल्ली दरबार के अंदर एक राजनीति चल रही है बच्चों, और इसी राजनीति के तहत सफदरजंग किसकी हत्या कर देते हैं? जावेद खान की हत्या कर देते हैं। जावेद खान की हत्या कर देते हैं, और इसी जावेद खान की हत्या से जो पहले का जो वजीर होता है, इमादुल मुल्क वजीर होते हैं, ये इमादुल मुल्क मराठाओं की हेल्प लेते हैं, और मराठाओं को बुलाकर दक्षिण भारत से मराठा उत्तर भारत की तरफ आएंगे, और उत्तर भारत पर आकर मराठाओं ने मुगल सम्राट अहमद शाह को सिंहासन से उतार दिया था। यहाँ वजीर सफदरजंग अवध की ओर भाग जाते हैं। कौन सी जगह जाते हैं बच्चों? अवध की तरफ चले जाते हैं। अवध कहाँ स्थित है? अवध यूपी में स्थित होता है। अवध यूपी में स्थित होता है। अहमद शाह मुगल सम्राट होते हैं, मुगल सम्राट को हटा दिया जाता है, और इसके बाद यहाँ इमादुल मुल्क जो वजीर होते हैं, इमादुल मुल्क के साथ मराठा एक नई संधि करते हैं, और मराठा ये कहते हैं कि जो जो प्रदेश हैं
अब हम उत्तर भारत की राजनीति में निरंतर हस्तक्षेप करते रहेंगे, हम यहाँ हमला 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 करते रहेंगे, हमें सरदेशमुखी और चौथ वसूल लेना है, हमें यहाँ से टैक्स लेना है। हम बात कर रहे हैं बच्चों पानीपत का तीसरे युद्ध की, हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं पानीपत के तीसरे युद्ध के कारणों को देखा जा रहा है। आगे की घटनाओं में हम घटना देखेंगे कि दिल्ली की राजनीति में क्या परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन नंबर वन देखते हैं यहाँ देखिए, पंजाब में एक होती है कौन, मुगलानी बेगम है, और यहाँ सम्राट मुगल सम्राट कौन आते हैं, मुगल सम्राट आलमगीर सेकंड आते हैं 1754 से, लगभग 56 इनका शासनकाल रहता है। यहाँ मुगलानी बेगम है, आलमगीर सेकंड है, यहाँ इमादुल मुल्क का हस्तक्षेप होगा, इमादुल मुल्क यहाँ मराठों की सहायता से आते हैं, और वो मराठों को कौन बुला रहा है, आलमगीर सेकंड ने मराठों को ये निमंत्रण दिया था कि पंजाब में मुगलानी बेगम अपनी मनमानी कर रही है, आलमगीर सेकंड के निमंत्रण पर और इमादुल मुल्क के निमंत्रण पर मराठा दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आते हैं और मुल्तानी बेगम को वहाँ से हटा दिया जाता है। मुल्तानी बेगम को वहाँ से हटाकर और यहाँ अदीना बेगम को नियुक्त किया जाता है, अदीना बेगम को मुल्तान में नियुक्त कर दिया जाता है। इन सभी घटनाओं से बच्चों अहमद शाह अब्दाली जान रहा था और वो यहाँ की राजनीति को जान रहा था, मराठाओं के निरंतर हस्तक्षेप को और मुग़ल साम्राज्य की जर्जर व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं का संपूर्ण रूप से पतन करने की पूरी योजना बना ली थी। अहमद शाह अब्दाली एक बार हमला किया था, दो बार हमला किया था, तीसरी बार हमला किया था, चौथी बार हमला किया था। अहमद शाह अब्दाली का इस बदलती हुई राजनीति की वजह से पंजाब पर अहमद शाह अब्दाली का चौथा आक्रमण होता है। ये कौन सा आक्रमण है बच्चों, ये चौथा आक्रमण होता है और यह नवंबर 1756 में होता है। अहमद शाह अब्दाली अपना गवर्नर तैमूर खान को यहाँ छोड़कर पुनः लौट गए थे। यहाँ हम अहमद शाह अब्दाली के चौथे आक्रमण के बाद अगली घटना को देखा जाएगा। जून 1757 की घटना है और घटना कौन सी है बच्चों, जून 1757 की घटना है, जून 1757 की घटना है। यहाँ एक सरदार होते हैं रुहेला सरदार, इनके नेता का नाम क्या होता है, नाम सुने होंगे बच्चों, नजीब ऊ दौला होता है। ये नजीब ऊ दौला वजीर के पद पर थे। अब मराठों के सहयोग से मराठों ने रुहेला सरदार नजीब उद दौला के साथ बड़ी शक्ति से पेश आए थे और इनको वजीर के पद से हटाकर इनको नजीब उद दौला की जगह इमादुल इमादुल इमाद
अब्दुल मुल्क को यहाँ नियुक्त कर दिया जाता है, जो निरंतर मराठों का सहयोग ले रहा था। इमादुल मुल्क प्रारंभिक मोहम्मद शाह के समय से ही यह दिल्ली का वजीर होता है। हम यहाँ पानीपत के तीसरे युद्ध के कारणों की चर्चा कर रहे हैं बच्चों। अगली घटना को देखा जाए तो अगली घटना आती है 1758 ईस्वी की, और 1758 ईस्वी में क्या घटना घटित होती है, क्या घटना घटित होती है और इसी घटना की वजह से क्या होगा, राजनीति में परिवर्तन आएगा। अहमद शाह अब्दाली को भारत पर हमला करने के लिए निमंत्रण मिल जाएगा, उसको अवसर मिल जाएगा, उसको मौका मिल जाएगा। और यह अवसर जो है बच्चों, ये क्या अवसर रहेगा, यहाँ हम घटना 1758 में मराठा सरदार रघुनाथ राव मल्हार राव को साथ लेकर, रघुनाथ राव मल्हार राव को साथ लेकर ये उत्तर भारत में पहुँचते हैं, और उत्तर भारत में ये पंजाब पहुंच जाते हैं। यहाँ पंजाब में स्थित लाहौर पर हमला होता है। ये लाहौर का क्षेत्र भारत की आज़ादी के पहले ये पंजाब में ही आता था। 15 अगस्त 1947 को जब पंजाब का विभाजन किया गया था, तो लाहौर का जो हिस्सा जो था बच्चों, वो किस में शामिल हो गया था, वो पाकिस्तान में शामिल हो गया था। यहाँ हम देख रहे हैं कि लाहौर पर हमला किया गया था, और इस जगह अहमद शाह अब्दाली का गवर्नर कौन था, तिमूर खान था। यहाँ मराठों ने तिमूर खान को पराजित कर दिया था, तिमूर खान को यहाँ से पलायन करना पड़ा था। तिमूर खान यहाँ से पलायन कर गए थे, और इनके सेनाध्यक्ष जो थे जहान खान, तिमूर खान के सेना अध्यक्ष कौन थे, जहान खान सेना अध्यक्ष होते हैं। जहान खान को भी यहाँ से पलायन करना पड़ा बच्चों। ये जो राजनीति आप देख रहे हो, ये पानीपत के तीसरे युद्ध के कारण माने जाते हैं, और इन्हीं कारणों की वजह से अहमद शाह अब्दाली हमला करेंगे। कहाँ पे, भारत पर इनका हमला होता है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध होता है। इसी युद्ध को पानीपत का तीसरा युद्ध कहा जाता है। पानीपत के तीसरे युद्ध के कारणों की और पानीपत के युद्ध की घटनाओं की चर्चा अब हम बच्चों आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस मैं इतना ही आपको पढ़ा पाया, और आप जो मेरी वीडियो को आप निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो के लिए ओके, थैंक यू वेरी मच। कहाँ गई?